अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग गुड। टुडे वी विल स्टार्ट एग्जांपल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। नंबर 1 इज 4.2। अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन एन हॉरिजेंटल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट फोर्स। देखिए, एक मैन है जो कि एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, ठीक है। फोर्स कितनी लगा रहा है? 200 न्यूटन। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ। ये कह रहे हैं हॉरिजेंटल फोर्स या कंपोनेंट भी निकालें और वर्टिकल भी। एफ एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था? एफ कॉस थीटा था, ठीक है। आपने ये रिजल्टेंट फोर्स के टॉपिक में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंपोनेंट्स वाले में। एफ कॉस थीटा होता है, एफ आपको 200 मिला है, कॉस 30 डिग्री होता है 0.866, तो आपके पास आ गया एफ एक्स 173.2 न्यूटन। एफ वाई के लिए है एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे आप इसमें और आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगा। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके पास कितने? 173.2 न्यूटन और 100 न्यूटन आपके पास है। 4.3 है, एक मैकेनिक है जो नट को टाइट करता है, ठीक है, बाइसाइकिल के नट को। स्पैनर कितना यूज़ करता है? स्पैनर यूज़ करता है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और फोर्स कितनी लगाता है? 200 न्यूटन। अब इसमें टॉर्क आपने निकालनी है, ठीक है। फोर्स कितनी बता दी इन्होंने? 200 न्यूटन। लेंथ कितनी बताई? 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर आपके पास आता है। टॉर्क इक्वल्स टू एफ एल, दोनों की वैल्यूज लगाएं, पुट करें एंड यू गेट द आंसर इज 30 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इज 4.4। अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। ये देखें, ये मीटर रॉड आप देख रहे हैं, ये मिडल में क्या है, ये सपोर्ट किया हुआ है इसको आपने, ठीक है। और दोनों तरफ वेट देख लें, एक तरफ इन्होंने 10 न्यूटन रखा हुआ है, ठीक है, और एट पॉइंट बी पॉइंट पे इन्होंने 10 न्यूटन रखा हुआ है वेट टू जो है, ठीक है। और 40 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये 40 सेंटीमीटर पॉइंट ओ से दूर है। फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक W1 जो कि डिस्टेंस ए पे पड़ा है, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर ओ पॉइंट से दूर है, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है, बैलेंस हुआ हुआ है ये फाइंड करना है। W1 आपको नहीं पता, W2 पता है, 10 न्यूटन है आपके पास। W1 आपके पास क्या है? इसकी लेंथ कितनी है? ओ बी, यहाँ तक क्या इन्होंने दिया हुआ है आपके पास? 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.25। ओ बी की लेंथ है आपके पास 40 सेंटीमीटर ये वाली, और ओ ए की लेंथ है यहाँ पे ये वाली जो है आपके पास, दैट इज 0.25 मीटर। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है? क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ W2 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ W1। तो वेट इंटू मोमेंट आर्म ऑफ W2, फॉर्मूला आपको ये पता है उनका, वेट इंटू मोमेंट आर्म ऑफ W1। देखिए, दोनों में देखना है, इसका वेट और इसकी मोमेंट आर्म, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका वेट OB और इसकी जो है मूवमेंट, ये देखें, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, W2 की। ये आप लिखेंगे इधर, तो W1 इंटू OA, W2 इंटू OB, वैल्यूज पुट करें, W1 की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन। ओके, अब ये आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास, एक वेट है आपके पास ब्लॉक का 10 न्यूटन, ये आप देख रहे हो, इसका वेट 10 न्यूटन है। ये कि हैंग हुआ हुआ है किसी भी कॉर्ड से, आप ये देख सकते हो, टेंशन इन द कॉर्ड आपने फाइंड करनी है, वेट आपको गिवन है, ठीक है। तो W इक्वल्स टू 10 न्यूटन है, टेंशन जो है ये फाइंड करनी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको पता है, जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज आर 0, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, दैट इज इक्वल्स टू 0, और सम ऑफ वाई एक्सिस पे भी जो है कोई फोर्स नहीं लग रही, दैट इज इक्वल्स टू 0। आपके पास सिर्फ दो फोर्सेज हैं, टेंशन और वेट की। तो टेंशन माइनस W, ये देखें, ये दोनों फोर्सेज जो हैं, एफ एक्स एफ वाई जो हैं, ठीक है, ये 0 हैं, और आपके पास जो दो फोर्सेज यहाँ पे लग रही हैं वो टेंशन है और वेट है। तो टेंशन माइनस वेट इक्वल्स टू 0, टेंशन इक्वल्स टू वेट,
ठीक है, जितनी टेंशन है, जाहिर है जब अगर ये इक्विलिब्रियम में पड़ा है तो जितनी टेंशन होगी उतना ही वेट होगा, तो टेंशन भी आपके पास क्या है 10 न्यूटन है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके जी, ये आपका 4.6 जो न्यूमेरिकल है, इसमें आपके पास उन्होंने एक यूनिफॉर्म रॉड दिया आपको जिसकी लेंथ है इसकी पूरी की पूरी कितनी है 1.5 मीटर, किसी भी वेज पे पड़ा है और 0.5 मीटर दूर वहाँ पे एक फोर्स एफ लग रही है, ठीक है, जो कि कितनी है 100 न्यूटन। ये फोर्स जो है इसको हॉरिजेंटली बैलेंस करती है। फाइंड द वेट ऑफ रॉड, अब रॉड का कितना वेट है वो हमने फाइंड करना है और रिएक्शन ऑफ वेज कितना है ये आर ये फाइंड करना है। तो वेट कहीं पे आप ये देखें, कहीं पे आप ये रॉड है इस पे वेट कहीं पे मिड में आपके पास यहाँ पे जी पॉइंट पे आपके पास वेट जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। वेट हमेशा कहाँ सेंटर सेंट्रल पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो वेट फोर्स ये है और रिएक्शनल फोर्स आपके पास दिस वन है, ठीक है, और आपके पास जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो ये है। अब इसका डिस्टेंस ए ओ का क्या है फ्रॉम वेज, आपके पास 0.5 है। अब वेट का और रिएक्शनल फोर्स का डिस्टेंस ओ जी जो है ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ए जी, ठीक है, और बी जी दोनों का डिस्टेंस कितना है 0.75 मीटर, ठीक है। अब आपने ये निकालना है ओ जी का डिस्टेंस, ये समझे आपको नहीं गिवन, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, ओ जी इक्वल्स टू ए जी माइनस ओ ए, ए जी माइनस ओ ए। तो ए जी आपके पास कितना था 0.75 मीटर इस पूरे का डिस्टेंस, ठीक है, उसमें से 0.5 मीटर आपने माइनस किया तो आपके पास ओ जी कितना आया 0.25 मीटर। फाइंड क्या करना है आपने, दो चीज़ें वेट फाइंड करना है और रिएक्शनल फोर्स फाइंड करनी है ये। अब आपने यहाँ पे जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है जिसमें ऑल द टॉर्क्स जो है जितनी भी सम ऑफ टॉर्क्स हैं वो इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे तीन लग रही हैं, पहला है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, फोर्स, ठीक है, मोमेंट आर्म कितनी है ए ओ, ठीक है, रिएक्शनल फोर्स आ रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर किया है इसमें ज़ीरो है, ठीक है, माइनस आगे क्या है आपके पास वेट, वेट क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास वेट क्या है आपके पास W इंटू 0.25 मीटर, ये देखें W इंटू आपके पास ओ जी है, ठीक है, तो वो 0.25 मीटर इक्वल्स टू ज़ीरो। आप यहाँ से W की वैल्यू आपने निकालनी है, इन सारी वैल्यूज़ को आप जो है दूसरी तरफ ले जाए और सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास W इक्वल्स टू 200 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपने अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है। नंबर ऑफ फोर्सेस जो है आपके पास वाई एक्सिस पे वो ज़ीरो है, ठीक है, वाई एक्सिस पे जो फोर्सेस ज़ीरो हैं तो आपके पास कितनी फोर्सेस हैं लग रही हैं उधर, रिएक्शनल फोर्स माइनस, माइनस इसलिए इन दोनों के साथ लगा रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है नीचे की तरफ हैं, ठीक है, माइनस एफ माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ये दोनों आपने इस पे फोर्स लगाई, रिएक्शनल फोर्स ये वाली फोर्स कितनी थी आपकी 100 गिवन था, वेट आपने 200 न्यूटन निकाला है इक्वल्स टू ज़ीरो, तो रिएक्शनल फोर्स आपके पास 300 न्यूटन है। तो वेट आपके रॉड का 200 न्यूटन है और रिएक्शनल फोर्स आपके पास 300 न्यूटन है।